सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों आज हम दोहरान कक्षा छः का दोहरान करेंगे, जिसमें हैं पार्ट 5, 6, 7 और धातु रूप। तो आइए बच्चों, पार्ट 5 निकालिए, पढ़ना शुरू करते हैं। पंचम पाठ पांचवा पाठ। नाम क्या है बच्चों? वृक्षाः का अर्थ है वृक्ष, पेड़। वने निवसंतो वृक्षाः, वनम रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दोला आसिनः विहगा, ते किम अपि कूजन्ति हि वृक्षा। वने प्रत्येक वन में निवसंतो निवास करते हैं, रहते हैं, वृक्षाः पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनम रचयन्ति वृक्षा, और ये जो वृक्ष हैं वह प्रत्येक वन की रचना करते हैं वृक्ष, अर्थात प्रत्येक वन की रचना वृक्ष ही करते हैं। शाखा दोला आसिनाः विहगा, विहगा का अर्थ है बच्चों पक्षीगण। शाखा पर, पेड़ की टहनियों पर, दोला कहते हैं झूला, आसिना मतलब बैठे हुए हैं। पक्षीगण पेड़ की डालियों पर झूला बनाकर बैठे हुए हैं, अर्थात जो पेड़ की डालियां हैं वहां पर झूला रूपी जो डालियां हैं वहां पर पक्षीगण बैठे हुए हैं। ते किम अपि कूजन्ति वृक्षा, ते विहगा पक्षीगण किम अपि कुछ भी, कूजन्ति कूजते रहते हैं वृक्षा पेड़ पर स्थित होकर के पक्षी कुछ भी कूकते रहते हैं। पीबन्ति पवनम जलम संततम, पीबन्ति पीते हैं पवनम पवन को, जलम जल को, संततम लगातार, और लगातार जल और पवन को हवा को पीते रहते हैं। साधु जना कहते हैं बच्चों सज्जन, ईव की तरह सर्वे सभी वृक्षाः पेड़, सभी पेड़ सज्जन की तरह होते हैं, अर्थात सभी वृक्ष क्या होते हैं बच्चों? सज्जन होते हैं, सभी वृक्ष सज्जन होते हैं। आगे है स्पृशन्ति ही पातालम च, स्पृशन्ति ही पादे है पातालम च, स्पर्श करते हैं पादे पैरों से, पातालम च और पाताल को पैरों से स्पर्श करते हैं। नभ को आकाश को सिरसु सिर पर वहन्ति ढोते हैं, और जो आसमान है आकाश है बादल है उन्हें वह अपने सिर पर ढोते हैं। वृक्षाः वृक्ष पेड़ पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं, और बादलों को आकाश को वह सिर पर धारण करते हैं ढोते हैं। पयोदर्पणे कहते हैं बच्चों जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को। कौतुकेन कहते हैं आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं वृक्षाः पेड़ आश्चर्य से अपनी ही परछाई को पानी रूपी दर्पण में देखते हैं। प्रसार्य फैला करके स्वच्छाया अपनी छाया, संतरणम का अर्थ है बिछोने को, अर्थात अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके कुर्वन्ति करते हैं। सत्कारम आदर सत्कार वृक्षाः पेड़ सभी का अपनी छाया रूपी बिछोने बिस्तर को फैला करके सभी का क्या करते हैं बच्चों? स्वागत करते हैं। डॉक्टर हर्षदेव माधवह ने यह लिखा है, यह जो पाठ है यह लिखा है बच्चों। बच्चों पाठ 5 वृक्षाः के धातु रूप हैं, बुक वर्क है, वह है कोष्ठ के सु कोष्ठक में, प्रदत्त दिए हुए, शब्देषु शब्दों में, उपयुक्त विभक्ति को योजित्वा जोड़ करके, उपयुक्त विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी को खाता हूँ। फिर आगे है उचित विभक्ति जोड़नी है, अर्थात देखो तुम पीबसी पीते हो, किसको पीते हो? जल को, तो जलम में किसको? कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति क्या होगी? जलम। तुम जलम पीबसी, छात्रः पश्यति, छात्र देखता है, किसको देखता है? दूरदर्शन दिया हुआ है, तो दूरदर्शनम दूरदर्शन को देखता है, टीवी को देखता है। वृक्षाः पेड़ पीबंती पीते हैं, क्या पीते हैं? अब कोष्ठक में पवन दिया हुआ है तो आपको विभक्ति प्रयोग करनी है, तो अर्थात पवनम। ताह सह तोते
साते ताहा, ताहा स्त्रीलिंग के लिए, वे सब लिखंती लिखती है, वे सब लिखती है, क्या लिखती है, कथा, वे सब कथा लिखती है, तो कथा को लिखती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा कथाम। आवाम, अहम आवाम, आवाम मतलब हम दोनों, गच्छावह जाते हैं, जंतुशाला, जंतुशाला किसे कहते हैं, जू को, चिड़ियाघर को, तो क्या आएगा जंतुशालाम, क्या आएगा बच्चों जंतुशालाम, जंतुशालाम। आगे है अधो लिखितेषु, नीचे लिखे हुए वाक्येषु, वाक्यों में, कर्तरी पदानि चिनोत, जो कर्ता पद है उनको चुनिए, उनको सिलेक्ट कीजिए। अब देखो वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्षाः पेड़, पेड़ आकाश को, बादलों आकाश को सिर पर ढोते हैं, सिर पर वहन करते हैं, तो कौन कार्य करने वाला कौन है, वृक्षाः वृक्ष। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, विहगाः पक्षी वृक्षेषु पेड़ों पर, कूजन्ति कूकते हैं, कौन कूकते हैं, तो विहगाः, यहां पर सब कर्ता शब्द क्या होगा विहगाः। पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण में, आईने में, वृक्षाः वृक्ष, स्वप्रतिबिंबं पश्यति, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, तो कौन देखते हैं वृक्षाः, तो यहां भी प्रश्न जो कर्ता शब्द है वो कौन है वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पाद्यन्ति, कृषक किसान हैं जो क्या करते हैं अन्नानि, अन्न को, उत्पाद्यति उत्पादित करते हैं अर्थात उगाते हैं, तो यहाँ कर्ता कौन है, कौन अन्न को उत्पादित करते हैं कृषकः, तो कृषक यहाँ कर्ता पद है। सरोवरे तालाब में, मत्स्याः मछलियां संती है, तालाब में कौन है मत्स्याः मछलियां हैं, तो यहाँ पर ये है कर्ता पद। आगे देखेंगे बच्चों पंचम पाठ, निकालिए इसके शब्दार्थ भी देखिए बच्चों। वने वने, प्रत्येक वन में, वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, वने वने प्रत्येक वन में। निवसंतः, रहते हैं या रहने वाले, रचयन्ति, रचते हैं या बनाते हैं। शाखा, डालियां या टहनियां। दोला, झूला। आसीनाः, बैठे हुए। विहगाः, पक्षीगण, जो पक्षियों का समूह है पक्षीगण। किमपि, कुछ भी, किमपि कुछ भी। कूजन्ति, कूकते हैं या कूकती है। संततम, लगातार या निरंतर। साधु जनाः, तपस्वी या सज्जन। ईव, की तरह। पीबंती, पीते हैं। पीबंती का अर्थ क्या है बच्चों, पीते हैं। पेड़ हैं जो हमेशा पवन और जल को पीते हैं। स्पृशन्ति, स्पृशन्ति का अर्थ क्या है, स्पर्श करते हैं। नभः, आकाश को। शिरस्सु, सिर पर। वहन्ति, ढोते हैं। पयो दर्पणे, जल रूपी दर्पण में या जल रूपी आईने में। स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को पश्यन्ति ही देखते हैं, अपने जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। कौतुके, इनका अर्थ होता है बच्चों आश्चर्य से। कौतुके, इनका अर्थ क्या है आश्चर्य से। प्रसार्य, फैलाकर। स्वच्छाया संतरणम का अर्थ है अपनी छाया रूपी बिस्तरे को अर्थात बिस्तर को। सत्कारम का अर्थ है आदर, आदर सत्कार। ठीक है बच्चों, तो पाठ निकालिए षष्ठम पाठ, पाठ छे निकालिए बच्चों, षष्ठ पाठ पाठ छे। समुद्र तटः, पाठ छे समुद्र तटः। देखो बच्चों षष्ठम पाठ छठा पाठ, समुद्र तट, समुद्र तट का अर्थ है समुद्र का किनारा। देखो बेटा ये अथाह समुद्र है, अथाह सागर है ना, तो ये समुद्र के किनारे पर जो बालू रेत होती है जहां तक ज्वार भाटा आता रहता है, पानी का उतार चढ़ाव लगा रहता है, उसे कहते हैं समुद्र तट, समुद्र का किनारा। तो बच्चों इस पाठ में देखेंगे कि कौन कौन से समुद्र तट प्रसिद्ध है और कौन सा सबसे बड़ा समुद्र तट है, यहाँ क्या क्या होता है। देखो बच्चे इस चित्र में, देखो बच्चे खेल रहे हैं, तो देखेंगे इस पाठ में। यस, पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र, यहाँ। जनाः, लोग, यहाँ लोग। पर्यटनाय, पर्यटनाय का अर्थ है घूमने के लिए। आगच्छन्ति, आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं अर्थात कहाँ पर, बोलिए, समुद्र तट पर, समुद्र के किनारे पर। केचन, कुछ तरंगे है, तरंगों से, लहरों से क्रीडंती, खेलते हैं। और कुछ लोग क्या किससे खेलते हैं, तरंगों से, लहरों से खेलते हैं। केचन, कुछ।
च और नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं, जल में सैर करते हैं, जल में घूमते हैं नाव के द्वारा। तेसु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन गेंद के द्वारा क्रीडन्ति खेलते हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं जो गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालक और बालिकाएं, बालुका भी, बालुका भी मतलब बालू रेत से, बालुका गृहम बालू रेत के घर, बालू रेत से बालू रेत के घर रचयन्ति बनाती और बनाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा बालक और बालिकाएं बालू रेत से बालू के घरोंदे या बालू की रेत से घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगा लहरें बालुका गृहम, बालुका गृह मतलब बालू के जो घर बनाए हैं उन्हें या बालू के जो घरोंदे हैं उन्हें प्रवायंती बहा देती है। बार बार लहरें आती है, जो बच्चे बालू के घरोंदे बनाते हैं उन्हें वो बहा देती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलती एव, यह क्रीड़ा चलती ही रहती है, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थान ही नहीं है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः का अर्थ है मछुआरे, यहाँ मछुआरे अपि भी स्वजीविका अपनी आजीविका को चालियंती चलाते हैं, यहाँ मछुआरे अपनी आजीविका को चलाते हैं, अर्थात मछुआरे यहाँ आकर मछली पकड़ते हैं और उन्हें मार्केट में बाजार में बेचते हैं और अपनी गृहस्थी अपना घर परिवार चलाते हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में बहवः समुद्र तटाः सन्ति, बहुत से समुद्र तट हैं। अस्माकं देशे, हमारे देश में बहवः बहुत समुद्र तटाः, समुद्र के किनारे सन्ति है, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट है, समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं जिनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पूरी तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः, गोवा का जो तट है, गोवा में जो समुद्र का किनारा है, वह विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों को सम अधिकम, सबसे अधिक रोचते, पसंद आता है। जो गोवा का जो बीच है वह विदेशी पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, सबसे अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तटः, विशाखापट्टनम का जो बीच है, समुद्र तट है, वह विदेशी पर्यटकेभ्य, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। जो विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट, कोची का जो तट है वह नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, नारिकेल फलों के लिए जाना जाता है, अर्थात नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर का जो जुहू तट है वह सर्वे जनाः, वहां सभी लोग स्वेरम स्वच्छंद विहरंती घूमते हैं। मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहां सब लोग बिना किसी रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट, जो मेरीना तट है चेन्नई में, वह देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटों में दीर्घतमः, सबसे लंबा समुद्र तट है। बच्चों आपने देखा कि कौन कौन से समुद्र तट है, वो किस किस लिए प्रसिद्ध है, तो चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वह देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यहां है भारतस्य, भारत के, भारतस्य भारत के त्रिशीसु दिशासु, भारत के तीन दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीन दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मादेव इनमें से एव ही, इस कारण ही, कारणात एव, कारण ही, अस्मात इस कारण ही भारत देशः, भारत देश को प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा गया है, इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहा गया है। जो ये भारत देश का नक्शा है बच्चों, यहाँ पर इस ओर और इस ओर तीनों ओर समुद्र है। आप देखेंगे कौन कौन से समुद्र तट है, पूर्व दिशायां बंगोपसागर, जो पूर्व दिशा पर है, यहाँ कौन सा सागर है, यहाँ है बच्चों बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी। बंगोपसागर का अर्थ क्या है, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां, जो दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है, यह है हिंद महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर, हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर, पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है बच्चों, अरब सागर। ठीक है, तो भारत के पूर्व दिशा में बंगाल
बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा या दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों भी अर्थात इन तीनों सागरों का भी, सागराणाम इन तीनों सागरों का संगम जो मिलान है वह कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। जो कन्याकुमारी का तट है वहां इन तीनों सागरों का मिलान होता है, मिलन होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाः, पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि को, अमावस्या तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि होती है ना, एक बार अमावस्या आती है एक बार पूर्णिमा आती है ना, तो पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय, चंद्र उदय और सूर्य अस्त, चंद्र उदय और सूर्य अस्त युगपदे एक साथ द्रष्टुम दिखाई दे सकते, देख सकते हैं। बच्चों वहां कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा को चंद्र उदय और सूर्य अस्त एक साथ दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो इसके शब्दार्थ हैं, इसके शब्दार्थ देखेंगे। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाय घूमने के लिए, तरंगे लहरों से या लहरों के साथ, नौका भी नौकाओं के द्वारा अर्थात नावों के द्वारा, जल विहारम जल क्रीड़ा, बालुका भी बालुओं से अर्थात बालू रेत से, बालुका गृहम का अर्थ है बालुका घर या घरोंदा, मध्य मध्य बीच बीच में, प्रवाह यंती धो देते हैं बहा देते हैं, प्रचलती एवह चलती ही रहती है, पर्यटन स्थानानी घूमने की जगह, मत्स्य जीविनः मछुआरे स्वजीविकाम अपनी जीविका को, चालयंती चलाते हैं, चालयंती चलाते हैं। आगे देखेंगे अतीव बहुत अधिक, अतीव का अर्थ क्या है बच्चों, बहुत अधिक। अब आप देखेंगे यहां पर, अब आप देखेंगे कि जो प्रश्नोत्तर है समुद्र तट के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। यहां लिखा हुआ है मंजूसात, मंजूसा से पदानि, पदों को चितवा चुन करके रिक्त स्थान आने पूर्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां है बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी जो अभी देखा, प्रायद्वीप भारत तीन दिशाओं से सागरों से घिरा हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है प्रायद्वीप। पर्यटनाएं घूमने के लिए, क्रीड़ा खेल संगम मिलन, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर त्रयाणाम सागराणाम, इन तीनों सागरों का क्या होता है, बहुत ही होता है संगम, संगम होता है। भी आपने देखा भारत देश है, भारत देश को इति कथ्यते कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तट, जनाः लोग समुद्र तट पर आगच्छन्ति आते हैं, किस लिए आते हैं पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। बाल्य बालक बालकों को रोचते पसंद आती है, क्या पसंद आती है क्रीड़ा खेल कूद बालकों को पसंद आते हैं। भारतस्य पूर्व दिशायां, भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर अस्ति, कौन सा सागर है बंगोपसागर अस्ति, बंगोपसागर है अर्थात बंगाल की खाड़ी है। आगे देखेंगे बच्चों यथा योज्यम योग्य, जो योग्य है उनका मिलान कीजिए, जो योग्य है उनका मिलान कीजिए। देखो बच्चों यहां लिखा हुआ है समुद्र तट, समुद्र तट किस लिए होता है, ज्ञान के लिए होता है क्या समुद्र तट, या पोषण के लिए होता है, प्रकाश के लिए, या पर्यटन आय, यस पर्यटन आय घूमने के लिए। तो वैसे तो नंबर यहां नंबरिंग लिखा हुआ है कि नंबर डले हुए हैं कि यहां वैसे तो नंबर डले हुए हैं कि कौन सा किस लिए है, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार मिलान करके बताता हूं। तो समुद्र तट किस लिए है पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीडनकम खिलौना, खिलौना किस लिए है खेलनाय खेलने के लिए, दुग्धम दूध किस लिए पीते हैं पोषणाय, और दीपक किस लिए जलाते हैं प्रकाशाय प्रकाश के लिए, और विद्या किस लिए ग्रहण करते हैं ज्ञानाय ज्ञान के लिए। नीचे लिखा हुआ है बच्चों कोष्ठ का उचित पदम पद प्रयोग है, कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानानी पूर्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धनिक धनम ददाति, धनिक धन देता है निर्धनाय गरीब के लिए। बालह पठनाय विद्यालय गच्छति, बालक पढ़ने के लिए घर जाता है या पढ़ने के द्वारा विद्यालय जाता है, पढ़ने के द्वारा जाता है या पढ़ने के लिए जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति पठनाय तो ये सही आएगा यहाँ पर। सज्जना सज्जन परोपकाराय, परोपकार के लिए जीवंती जीते हैं, अर्थात जो सज्जन लोग व्यक्ति हैं वह परोपकार के, परोपकार को जीते हैं या परोपकार के लिए जीते हैं, इसलिए यहाँ परोपकाराय परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य छात्रों को पारितोषयन्ति, पारितोषित करते पुरस्कार देते हैं, छात्रों के लिए
छात्रों का पुरस्कार देते हैं या छात्रों के लिए देते हैं, तो छात्रानाम नहीं आएगा ना, छात्रेभ्य छात्रों के लिए। शिक्षकाय नमः, शिक्षकों को नमस्कार, नमः के योग में चतुर्थी भक्ति होती है बच्चा, इसलिए यहां आया शिक्षकाय, शिक्षकम नहीं आएगा। आगे देखेंगे बच्चों, इसमें दिया हुआ है, इसके साथ साथ हमें पढ़ना था CW समुद्र तट जो पाठ है इसका CW है, जनाहा लोग का भी किससे, जल विहारम कुर्वंती, जल विहार करते हैं, किसके द्वारा जल विहार करते हैं, नौका भी नावों के द्वारा जल विहारम कुर्वंती। भारत से दीर्घतम समुद्र तट का, भारत का दीर्घतम समुद्र तट कौन सा है, चेन्नई नगर से मेरीना तट है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वयं विहरन्ति, जना कहां पर स्वच्छंद विचरण करते हैं, मुंबई नगर से जुहू तट है, मुंबई नगर के जुहू तट पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। बालकाः बालुका भी किम रचन्ति, बालक बालुका भी बालू रेत से किम रचन्ति, क्या रचते हैं, बालुका गृहम बालू रेत के घर अर्थात घरोंदे। कोची तट केभ्य ज्ञायते, कोची का जो तट है वह किस लिए जाना जाता है, नारिकेल फलेभ्य या नारिकेलेभ्य, नारिकेल फलों के लिए जाना जाता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो बालिका शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होगा, बालिका भी, बालकाः बालिका भी सह पठन्ति, बालक बालिकाएं साथ ही पढ़ते हैं। तड़ाग तालाब में विभाति खिलते हैं, अब एक कमल तो खिलता नहीं है, बहुत सारे कमल खिलते हैं, बहुवचन आएगा कमले है। आगे है अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूं, अब एक गेंद से सब खेल सकते हैं इसलिए एक गेंद, तो कंदुकेन। आगे है अश्वाः अश्वे सह, घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ता है, तो बहुवचन आएगा अश्वे है। आगे है मृग, हिरण हिरणों के साथ दौड़ते हैं, तो मृगे है, तृतीय विभक्ति आएगा मृगे है। आगे देखेंगे बच्चों,